एसटीपी निर्माण को खनिज विकास निधि से प्रशासकीय मंजूरी मिल गई है। इससे अब रामाला तालाब में बहकर आने वाले गंदे पानी की समस्या को छुटकारा मिल जाएगा। रामाला तालाब संवर्धन की लंबित मांग, विशेष रूप से तालाब में बहकर आने वाले गंदे पानी पर प्रक्रिया करने एसटीपी निर्माण को खनिज विकास निधि से प्रशासकीय मंजूरी मिल गई है। इससे अब रामाला तालाब में बहकर आने वाले गंदे पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सुनहरे गोंडकालीन का साक्षी रामाला तालाब अतिक्रमण और प्रशासन की उदासीन नीतियों के कारण धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। इसलिए शहर के एकमात्र तालाब को बचाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। चंद्रपुर शहर के एकमात्र ऐतिहासिक रामाला तालाब के संरक्षण के लिए 2021 में इको प्रो द्वारा किए जाने वाले जन आंदोलन के बाद तालाब के गहरीकरण का पहला चरण किया गया था, लेकिन दूसरे चरण में एसटीपी के निर्माण के लिए तालाब में बहकर आने वाले पानी पर प्रक्रिया करने वाले संयंत्र निर्माण आवश्यकता थी। इस संबंध में जिला अधिकारी कार्यालय के खनकर्म विभाग की ओर से लिखित पत्र के माध्यम से एसटीपी निर्माण को मंजूरी की जानकारी इको प्रो को दी। रामाला तालाब संरक्षण के लिए एक और बड़ी सफलता मिली है। अब तालाब में आने वाला पानी संयंत्र में शुद्ध होने के बाद रामाला तालाब में प्रवाहित होगा।